पेज नंबर 16 में देखिए, सबसे लास्ट श्लोक जो है, स्वबुद्ध्या चापि विभजेत यंत्र कर्माणि बुद्धिमान असंख्य विकल्पत्वात् शल्यानिमिति निश्चयः। मतलब शल्य के अनेक प्रकार होते हैं, मतलब कोई भी जो फॉरेन बॉडी जाती है उसको हम शल्य बोलते हैं, तो वो ना शल्य अनेक प्रकार के होते हैं, इतने असंख्य होते हैं, किंतु बुद्धिमान शल्य चिकित्सक है अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के यंत्रों का यूज कर सकते हैं और उनका कार्य का विचार करके यंत्र में निश्चय करना चाहिए कि हमको कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, कौन सा नहीं करना है, वो जो सर्जन होता है उसको खुद डिसाइड करना चाहिए। फिर विशेष है कि शल्य कर्म तीन टाइप के होते हैं, एक होता है शल्य दर्शन, मतलब हमें देखना है कि कहाँ पे फॉरेन बॉडी है उसको बोलते हैं शल्य दर्शन। दूसरा है शल्य निरहरण, मतलब उसको विड्रॉ करने के लिए, मतलब अच्छे से निकालने के लिए जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं शल्य निरहरण। और तीसरा है शल्य कर्म स्वकार्यार्थम, मतलब जो शस्त्र कर्म जो किया जाता है, मतलब जो सर्जरी वगैरह किया जाता है, इंसीजन वगैरह, शस्त्र कर्म करने के लिए जो हेल्प किया जाता है, जैसे हम लोग सर्जरी कर रहे हैं और उसमें कोई जो है शस्त्र कर्म के लिए यूजफुल रहेगा, जैसे हमें फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एब्डोमेन को कट किया तो क्लैंप्स रहते हैं, क्लैंप्स को लगा के और स्किन को ऐसे उल्टा रखा जाता है ताकि इंटरनल पार्ट्स है वो ओपनली दिखा देख सके, और जो इंसीजन लेना है वो सब एक्सीजन लेना है, इंसीजन लेना है वो अच्छा हो जाए, तो जो क्लैंप होता है वो भी एक तरह का ये रहता है, मतलब यंत्र रहता है उसका यूज, मतलब शस्त्र कर्म में जो यूजफुल रहता है उसको शल्य कर्म सौकर्यार्थम, मतलब इजी करने के लिए जो किया जाता है उसको शस्त्र कर्म सौकर्यार्थम। ये तीन कर्म होते हैं। भागवताचार्य ने, मतलब अष्टांग हृदय जिन्होंने लिखा है, उन्होंने यंत्र के 14 कर्म बताए हैं। अब वो क्या है, तो निर्घातन, उन्मंथन, पूरण, मार्ग शुद्धि, संव्यूहन, आहरण, बंधन, पीड़नानि, आचूषण, उन्नमन, फिर क्या है, उन्नमन के बाद क्या है, चालन, हाँ चालन है, फिर भंग है, व्यावर्तन है, ऋजुकरण है, इसी को हिंदी में लिखा है उन्होंने और चैप्टर नंबर 25 में है सूत्र स्थान में, कि निर्घातन, उन्मथन, पूरण, मार्ग शुद्धि, संव्यूहन, आहरण, बंधन, पीड़न, आचूषण, उन्नमन, चालन, भंग, व्यावर्तन, ऋजुकरण। यह चीज हमने जो पहले सुश्रुत वाले का पढ़ा था उसी का ये समरी है इसमें, तो आपको अगर कोई भी शब्द नहीं समझ आ रहा कि निर्घातन क्या बोलते हैं, तो जो सुश्रुत वाला पहला जो बताया था पेज नंबर 15-16 में, उसमें देख के आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में बोल रहे हैं प्रशस्त यंत्र, मतलब सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्या रहता है, तो ऐसे बताया है कि एतेर दोषर विनिर्मुक्तम, मतलब उसमें कोई भी दोष नहीं रहना चाहिए। यंत्र अष्टादश अंगुलम, मतलब 18 अंगुल बड़ा ऐसा जो यंत्र होता है वो सबसे बेस्ट होता है। प्रशस्तम विषजाम गेयम, मतलब वह प्रशस्त होता है, सबसे बेस्ट होता है। विषजा गेयम, मतलब डॉक्टर्स के लिए वो बहुत यूजफुल रहता है। तद्वी कर्मसु योजेत, इसलिए उसकी योजना करनी चाहिए। फिर उसके बाद में यंत्र के 6 प्रकारों का वर्णन सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 7 चैप्टर में 10th नंबर का श्लोक में है। तत्र स्वस्ति यंत्राणि अष्टादश अंगुल प्रमाणानि, मतलब जो स्वस्ति यंत्र रहता है, आप लोग क्या करिए, एक टेबल बनाइएगा और उसमें ऐसा बनाइएगा कि स्वस्ति यंत्र कितना बड़ा होता है, तो 18 अंगुल जैसा बड़ा होता है। फिर इसके अलग अलग शेप रहते हैं, तो सिंह का, मतलब जो लॉयन होता है उस तरह का होगा, व्याघ्र मतलब बाघ होगा, टाइगर होगा उस तरह का फेस का होगा, फिर सिंह व्याघ्र लोमड़ी, लोमड़ी मैं हिंदी पढ़ता हूँ, लोमड़ी की तरह होगा, तरक्षु की तरह होगा, वृक्ष मतलब जो भालू होता है बियर उसकी तरह होगा, बिल्ली के फेस की तरह होगा, उल्लू की तरह होगा, हिरण की तरह होगा, हिरण जैसा कोई पशु होगा उसकी तरह होगा, कौआ की तरह होगा, बगुला की तरह होगा, फिर जो कुकुर टिटवी चास उसकी तरह होगा, भास, ये अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनकी तरह होगा, बाज की तरह होगा, उल्लू, शेन, गिदड़, क्रॉन्च, भृंगराज, अंजलिकर्ण, अवभंजन, नंदीमुख आदि के मुख के समान स्वस्ति यंत्र होते हैं। इसमें कील जो लगा रहता है वो कैसे रहता है, मसूर की दाल की तरह, इतना छोटा कील लगा रहता है और उससे जुड़े रहते हैं, और पकड़ने के लिए अच्छे से उसको मतलब हैंडल करने के लिए अंकुश लगा रहते हैं, उसके सामने मुड़े हुए रहते हैं, हुक लगे रहते हैं, अस्थिगत शल्य के निकालने के लिए इनका उपयोग होता है। तो अभी ना यहाँ पे डायग्राम बनाया है पेज नंबर 17 में, डॉक्टर आशीष पारिक जी की बुक में बताया है, तो देखिए सिंहमुख स्वस्ति यंत्र कैसा है, उसका जो है वो शेर की तरह है, फिर उसके बाद में व्याघ्रमुख बाघ की तरह है, तो उसका देखिए कैसा है, उसके बाद में वृक्कमुख
वो कहते हैं, फिर उसके बाद में तरक्ष मुख, फिर उसके बाद में ऋष मुख, फिर उसके बाद में मार्जार मुख मतलब बिल्ली की तरह, फिर श्रीगाल मुख गिदड़ की तरह, स्वस्तिकम मेव स्वस्तिकम मतलब इसमें जो आप लोगों ने देखा होगा कि स्वस्तिक बनाते हैं हम लोग गृह पूजा वगैरह में, तो इसमें उसी तरह से स्वस्तिक रहता है मतलब ऊपर से टर्न और पीछे से भी टर्न और बीच में ऐसे चिपका हुआ ऐसा रहता है। तो स्वस्तिक में व स्वस्तिकम दक्षिणस्य बाहर वामे गमन वामस्य दक्षिणेति स्वस्तिकता मतलब राइट साइड से स्टार्ट होके और फिर लेफ्ट साइड में जाना और लेफ्ट साइड से स्टार्ट होके लेफ्ट साइड में जाना, तो इस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसको स्वस्तिक में स्वस्तिकम दक्षिणस्य बाहर वामम वामे गमन वामस्य दक्षिणेति स्वस्तिकता ऐसा भागवत ने बताया। इस स्वस्तिकम चतुरंगम पिष्ट घटितम तदा कृतिम चतुर्वयवयानी स्वस्य यंत्राण्य उच्यन्ते ऐसा बताया कि यंत्र के चार भाग कील की सहायता से एकत्र जुड़े हुए रहते हैं। इसमें चार भाग रहते हैं मतलब दो हाथ दो पैर और बीच में कील रहता है जिसके कारण इसको स्वस्तिक यंत्र बोलते हैं। फिर उपयोग क्या है इसका, यूज क्या है, तो अस्थिगत शल्य तथा अन्य स्थान में स्थित शल्य निकालने के लिए इनका उपयोग होता है। मैं आपको ना कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था 2003 में तो मेरा ड्यूटी लगा था प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, तो वहां एक बच्चा आया था तो उसके कान में एक पत्थर खेलते खेलते चला गया, तो वहां पे ना बहुत सारे ऐसे फोर्चिट जो मतलब स्वस्तिक यंत्र जो बोला है उसी तरह के इंस्ट्रूमेंट एलोपैथी में भी रहते हैं मॉडर्न में, उनको फोर्चिट बोलते हैं। उस तरह का फोर्चिट था, बच्चे के कान में बहुत बड़ा पत्थर चला गया था और बच्चा रो रहा था, कुछ 4-5 साल का था, तो मैंने वो फोर्चिट लिया और उसको ऐसे पकड़ के और वहां जो पत्थर गया था कान में वो निकाला। 2-3 बार ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो पोमेग्रेनेट होता है अनार, अनार के बीज नाक में घुसा दिए थे और बच्चे रो रहे थे वहां पे, तो मैंने क्या किया कि वही फोर्चिट से ऐसे पकड़ के खींच के निकाला। तो ये शल्य को निकालने के लिए, पकड़ के निकालने के लिए ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए थे। पहले के जमाने में क्या होता था कि युद्ध होते थे, तो युद्ध के समय में कभी कुछ ये जैसे कोई भाले का भाग लग गया, कोई तलवार का टुकड़ा लग गया या बाण लग गया तो वो अंदर डीपली जाके लग जाता था, तो युद्ध बहुत होते थे। इसलिए ऐसे यंत्र बनाए जाते थे जो सर्जन के पास जाते थे तो वो लोग ना जैसे गोली लग गई या कुछ शीशा लग गया या कील लग गया तो ऐसे खींच के पकड़ के निकालने के लिए इनका यूज किया जाता था। फिर इसका आधुनिक शस्त्र अस्थिगत शल्य तथा अन्य स्थान में स्थित शल्य निकालने के लिए इनका उपयोग होता है। आधुनिक शास्त्र में भी अनेक यंत्रों का नाम पशु पक्षियों के मुख्य आकृति के अनुसार किया जाता है, जैसे लॉयन फोर्सेप, डेंटल हॉक बिल फोर्सेप, माउस टीथ फोर्सेप, क्रोकोडाइल फोर्सेप, बैक कॉक्स फोर्सेप एक्सेट्रा। तो जितना भी मॉडर्न साइंस है ना वो भी ऐसे ही अलग अलग ये मतलब पक्षियों पशु और पक्षियों के नाम पे उन्होंने नाम रखा है। फिर इसके बाद में पेज नंबर 18 में देखिए, मकर मुख स्वस्तिक यंत्र मतलब क्रोकोडाइल के शेप की तरह है, काक मुख स्वस्तिक यंत्र मतलब कौआ होता है क्रो उसकी तरह, कंक मुख बगुला की तरह, कुरुर मुख शश मुख मतलब खरगोश की तरह, काश मुख स्वस्तिक यंत्र, फिर भास मुख स्वस्तिक यंत्र, शशग्नि मुख फिर उसके बाद उलुक मुख उल्लू की तरह, उल्लू की तरह जो रहेगा वो देखिए किस तरह से ऐसे घुसा के और अंदर से कोई अंदर चला गया है, जैसे सपोज कुछ ना कहीं कोई ऐसा भाग चला गया है जहाँ स्ट्रेट जाके नहीं निकाल सकते, उसको थोड़ा घुमा के निकालना है तो उल्लू मुख से निकाल सकते हैं। शेन मुख कुत्ते की तरह, गृध मुख गृध, फिर क्रांच मुख, ये बहुत सारे नाम है आप लोग ने 4-5 नाम याद रख लेंगे तब भी चलेगा, फिर भृंगराज मुख इस तरह का होता है। फिर है संदंश यंत्र, संदंश यंत्र मतलब पिंसर लाइक इंस्ट्रूमेंट, तो सग्नियो सग्निग्रहो निग्रहश्च संदंशो षोडशांगुलो भवता, यह ना 16 अंगुल लंबा होता है और सन्निग्रह और अनिग्रह मतलब जिसको हम कैच रहता है और विदाउट कैच रहता है। आप लोग क्या करिएगा पेज नंबर जो 19 है उसी में जो डायग्राम बनाया है साइड में वो देखिए, एक मिनट रुकिए मैं तो थोड़ा बड़ा करता हूँ, उसमें डायग्राम बनाया तो देखिए कि दो तरह का संदंश यंत्र इसमें है, तो एक पकड़ने वाला होता है इसको फोरचिट बोलते हैं, तो यहाँ आगे की टिप में ना ऐसे दांत की तरह होता है जो पकड़ने के काम आता है, तो ऐसे ही जो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो आईब्रोज वगैरह बनाती हैं ब्यूटी पार्लर में लेडीज, उनके पास भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जो एक एक बाल को ऐसे खींच के निकलती है,
तो ऐसा होता है संदंश यंत्र, एक में पकड़ने वाला होता है एक में नहीं पकड़ने वाला होता है। तो ये हो गया सन्निग्रह और अनिग्रह। इसमें बता रहे हैं कि इसका क्या वैरायटी स्पेशलिटी क्या है, कीलबद्ध विमुक्ताग्रह, मतलब इसमें कील नहीं रहता, ये पीछे से चिपका हुआ रहता है। संदंश षोडशांगुलो त्वक शिरा स्नायु पिचित लग्न शल्यापकर्षण शल्यापकर्षणी षडुंगलो अन्यो हरणे सूक्ष्म शल्योपलक्षणम लक्षणाम। इसका मतलब है कि आचार्य भागवत ने ऐसा बताया है कि संदंश यंत्र के दो प्रमाण बताए हैं, एक 14 अंगुल होता है, दूसरा 6 अंगुल होता है। तो आवश्यकता के अनुसार छोटे या बड़े यंत्र का उपयोग किया जा सकता है। और पहला जो था 16 अंगुल, वो सुश्रुत ने बताया है। भागवत जो बोलते हैं हम छोटे छोटे भी ऐसे संदंश यंत्र बना सकते हैं, 14 अंगुल के या 6 अंगुल के, और उसमें कीलबद्ध या विमुक्ताग्र, मतलब आगे का जो टिप है वह कील जैसा रहता है जिससे हम लोग कुछ अच्छा से पकड़ सकते हैं, या विमुक्ताग्र ऐसा भी बनाया जा सकता है। फिर और बताया है कि एक मिनट रुके, एक मिनट, ये मेरा ना ये हो रहा है, जो कील युक्त रहता है ना, तो जैसे स्वस्तिक यंत्र में कील लगा के रखा है उस तरह को कीलबद्ध बोलते हैं, और जिसमें कील नहीं लगाए केवल ऐसे चिपकाया है परमानेंट, उसको विमुक्ताग्र बोलते हैं। ये अष्टांग संग्रह में, अष्टांग हृदय में अलग बताया। जो 6 अंगुल वाले जो यंत्र रहते हैं उनको बोलते हैं मुचुंडी संस्कृत में। इनके मुख के भीतरी भाग में छोटे छोटे दांत जैसे संरचना होती है, तो वो लोग क्या करते हैं जैसे हेयर को ऐसे प्लग करके निकालना है तो उसको मुचुंडी होती है, वो छोटे दांत में ऐसे पकड़ के और खींच सकते हैं। ये सीधी होती है और अंतिम छोर में रुचक अंगुली का आभूषण पहना जाता है। इसका उपयोग गहरे व्रणों के मांसों में, मतलब जो बड़ा डीपली कोई वुंड है उसमें, मांस में, या बचे हुए अर्म रोग, जो आंखों में क्या होता है ना कि एक टायरिजियम करके एक ना ये आ जाता है, मांस का टुकड़ा आ जाता है, तो ऑपरेशन किया जाता है और मांस का टुकड़ा को ना ऐसे कट, ऐसे पकड़ के और फिर सीजर से कट किया जाता है, तो उसको आहरण मतलब पकड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है संदंश यंत्र का। कभी कभी क्या आप लोग ने टायरिजियम देखा है क्या, अर्म रोग जो रहता है ना, वो जो व्हाइट वाला स्क्लेरा रहता है उसमें ना मांस का टुकड़ा बढ़ जाता है। आप लोगों को जब मैं नेत्र रोग पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा, अभी फोर्थ ईयर में है ना आप लोग, तो मैं अर्म रोग क्या होता है उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये सारा करके हम लोग नेत्र रोग वगैरह में जाएंगे, हम लोग ENT भी पढ़ेंगे, ऑप्थल्म भी पढ़ेंगे, पंचकर्मा काय चिकित्सा और रिसर्च और स्टैट भी पढ़ेंगे। ये मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद अर्म रोग के लिए अर्म को, मांस का जो बढ़ा हुआ भाग है उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत डेलिकेट होता है और आईज में रहता है स्क्लेरा में, तो वो पकड़ के फिर सीजर से कट किया जाता है, सीजर से या ब्लेड से कट किया जाता है। फिर अनिग्रह निबंध निबंधना स्वर्ण कार्य सेवा अन्य तो सन्निग्रह लोकार संदेश कलबंध इति मन्यते। मतलब डलन के अनुसार क्या है कि जो लोहार के चिमटे जैसा हो उसको सन्निग्रह बोलते हैं, और अनिग्रह होता है कि स्वर्णाकार के चिमटे जैसा, मतलब सन्निग्रह जो होता है लोहार जो रहता है आप लोगों ने देखा होगा उसका चिमटा कैसा होता है, लोहा पकड़ने के लिए चिमटे जैसा होता है, और अनिग्रह होता है वो जो ये रहता है सोनार होता है उसके चिमटे जैसा, वो छोटा सा रहता है, ऐसा डलन जी ने बताया। उपयोग क्या होता है कि पेज नंबर 19 में सबसे ऊपर का पैराग्राफ देखिए, इसका उपयोग होता है त्वचा मांस शिरा स्नायु आदि से शल्य निकालने के लिए इसका उपयोग होता है, और नेत्र स्थित केश, अगर आईज में कुछ बाल चले जाए तो इससे हम आराम से निकाल सकते हैं, और वो ऊपर वाला नहीं दूसरा वाला करके पकड़ के निकाल सकते हैं। सूक्ष्म शल्य हो, जैसे मैंने बताया कि नाक में कुछ चला गया तो या तो स्वस्तिक यंत्र से निकाल सकते हैं या इससे संदंश यंत्र से निकाल सकते हैं। फिर व्रणगत दुष्ट मांस निकालने के लिए, जैसे मांस का टुकड़ा ना अंदर सड़ गया और वो बहुत डीपली है ऐसे चिपका हुआ है, तो उसको निकालने के लिए, एक बार जब मैं गायनेक वार्ड में था तो क्या हुआ कि मैंने ऐसे देखा कि वहां कोई सीनियर जो थे MD वो ना क्या कर रहे थे, उत्तर बस्ती दे रहे थे कुछ ना लेडीज पेशेंट को, उत्तर बस्ती दे रहे थे। तो जो उत्तर बस्ती का आगे का भाग होता है ना, जो उत्तर बस्ती का ये क्या बोलते हैं हम लोग इसमें चरक संहिता में बताए नेत्र पुटक, उस तरह का उनका कोई इंस्ट्रूमेंट था, तो वह ना सर्विक्स के भाग में अंदर वजाइना में अटक गया, तो वो पेशेंट वो लोग डर गए कि हम कैसे निकाले, तो मैं भी उधर था, मैंने सब सर्जरी वगैरह पढ़ा था, तो मैंने उनको कहा आप टेंशन मत लीजिए, आप ये जो है फोर्सेप इससे आप ना पकड़ के और खींच के निकाल दीजिए,
तो उन्होंने खींच के निकाल दिया और वो फिर वो उनका डर निकल गया। मतलब ये किसी भी चीज को से पकड़ के खींच के निकालने के लिए बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो इस नासागत नेत्रगत सूक्ष्म शल्य निकालने के लिए उपयोग किया जाते हैं। जैसे आईज में कुछ पत्थर चला गया तो उसको निकालने के लिए भी इसका हम यूज करके पकड़ के ऐसे निकाल सकते हैं। नाक में चला गया, कान में चला गया, तो इसका यूज कर सकते हैं। मॉडर्न कोरिलेशन है कि आधुनिक प्लेन फोर्सेप्स संदन क्षेत्र के समान होते हैं। ठीक है, आप लोगों को कुछ चीज नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग मुझे पूछे। फिर है ताल यंत्र, पूर्ण शब्द इंस्ट्रूमेंट। नीचे देखिए, नीचे ना उसका ये बताया, फोटो बनाया, तो इसको ताल यंत्र, जिस तरह से ताली बजाया जाता है उस तरह से यह ताल यंत्र होता है। तो द्वादश अंगुले मत्स्य तालु वदेक तालु द्विताल के कर्ण आशा नाड़ी शल्याप हरणार्थम। मतलब क्या होता है कि ताल यंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक ताल यंत्र सिंगल स्पून का, अगर केवल एक ही स्पून का रहेगा एक ही साइड का, तो सिंगल स्पून वाला एक ताल यंत्र। दो ताल यंत्र होते हैं डबल स्पून वाले, इनकी लंबाई 12 अंगुल होती है। अब इसके बारे में क्या बताया है कि एतेन मत्स्य शकलवत प्रतनु मुखैक प्रदेश में तालम मत्स्य शकलवत प्रतनु मुखम द्विदेशम द्विताल मृत्युक्तम। मतलब मछली के तालु के समान, आप लोगों ने फिश का तालु देखा होगा, फिश का जो अंदर का मुख का जो पैलेट होता है उसी तरह ये विस्तृत रहेगा। इसमें दो देखिए, ताल यंत्र दो टाइप का होता है, एक है एक तालक नीचे वाला और दो वाला है द्वितालक, दो ताल। तो ये तालु के समान विस्तृत होता है, किंचित मुड़ा हुआ रहता है, चपटा भाग होता है, अतः इसे ताल यंत्र कहते हैं। यदि एक ही भाग चपटा होगा तो उसे एक ताल कहेंगे, दो भाग चपटा होने पर द्विताल कहेंगे। मतलब द्विताल है लेकिन वहां पर एक कील लगा है संदंश यंत्र की तरह, संदंश नहीं स्वस्थिक यंत्र की तरह उसे चिपका हुआ है। तो इस तरह से ये ताल यंत्र हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सब, आप लोग के पेपर में फुल मार्क्स आएंगे। इसका उपयोग जो है ताल यंत्र का, ऐसे बता रहे हैं कि कर्ण में नासा में नाड़ीगत शल्य को निकालने के लिए, जैसे कान साफ करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि ENT सर्जन जो रहते हैं कान का जो मल निकालना होता है तो वो इसी से ऐसी ताल यंत्र से निकालते हैं। नाक में अगर कुछ चीज है कोई जख्म वगैरह है तो ऐसे खरोच के निकालना है तो ऐसे यंत्र से, या नाड़ीगत शल्य निकालना हो तो ऐसे यंत्र से कर सकते हैं। मॉडर्न कोरिलेशन आधुनिक स्कूप ताल यंत्र के समान प्रतीत होते हैं, मतलब स्कूप जो बताए हैं मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट उसके जैसे होते हैं। फिर है नाड़ी यंत्र, नाड़ी यंत्र क्या होते हैं, ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ना बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो नाड़ी यंत्र अपनी अनेक प्रकारानी, मतलब यह बहुत प्रकार के होते हैं, अनेक प्रयोजनानी बहुत सारे यूज के लिए होते हैं। एक तो मुखानी उभय तो मुखानी, उसमें एक मुंह वाला हो सकता है या दोनों साइड का मुंह हो सकता है। ऐसा सोचिए नाड़ी यंत्र मतलब एक पाइप की तरह, तो उसमें एक साइड में ओपनिंग हो सकता है या दोनों साइड में ओपनिंग हो सकता है। अगर दोनों साइड में ओपनिंग रहेगा तो अंदर कुछ पर्स वगैरह है तो हम उसको ना ऐसे लगा के और ऐसे चूस के खींच सकते हैं, सक कर सकते हैं। तो इसका दोनों उभयतो मुखानी मतलब दोनों साइड में उसमें होल रहते हैं। तानी स्त्रोतों का शल्य उदाहरणार्थम, कोई स्त्रोत है उसमें ना कोई शल्य चला गया तो उसको खींचने के लिए काम आता है। रोग दर्शनार्थम मतलब रोग को देखने के लिए, तो और आचूषणार्थम मतलब पस वगैरह को चूसन या ब्लड गंदा खून जमा है उसको चूसने के लिए, या क्रिया सौकर्यार्थम मतलब क्रिया अच्छा करने के लिए, क्रिया का सुलभता के लिए। जैसे हमें क्षार कर्म करना है, अंदर जो जख्म है वहां तक वो क्षार डालना है लिक्विड, तो हम लोग वो क्या करेंगे कि नाड़ी यंत्र को लगा देंगे और ऊपर से क्षार को धीरे धीरे गिराएंगे, वो नीचे जाएगा पाइप से और वहां जहां जरूरत है वहां पर वो क्षार जाएगा और वहां उसको ठीक कर देगा, इसलिए नाड़ी यंत्र का यूज होता है। इसी को हिंदी में पढ़ता हूँ, नाड़ी यंत्रों की संख्या 20 होती है। नाड़ी यंत्र अनेक प्रकार के होते हैं तथा अनेक प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं। कुछ एक मुखी होते हैं, कुछ द्विमुखी होते हैं। अगर एक साइड का ओपनिंग हुआ तो एक मुखी, अगर दोनों साइड का ओपनिंग हुआ तो द्विमुखी। स्त्रोत शल्य निर्हरणार्थ, अगर जो स्त्रोत के अंदर कोई शल्य है उसको निकालने के लिए, व्याधि दर्शनार्थ व्याधि को देखने के लिए, आचूषणार्थ एक्सप्रेशन के लिए, तथा अर्श आदि व्याधियों में क्षार पतन आदि क्रिया की सुलभता के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रमाण कितना है, तो तानी स्त्रोतो द्वार परिणाहानि यथा योग दीर्घाणि च तद विस्तार परिणाम दैर्घ्य स्त्रोत अनुरोधता। मतलब नाड़ी यंत्र की चौड़ाई कितनी रहती है, जो पाइप जैसा यंत्र रहता है, स्त्रोतों में जितना लंबाई की आवश्यकता होना चाहिए उतना हम अलग अलग बना सकते हैं।
कभी छोटा बना सकते हैं, कभी बड़ा बना सकते हैं, ऐसा अलग अलग बना सकते हैं। उपयोग, भिन्न भिन्न स्थानों में नाड़ी वर्ण की उपयोगिता भिन्न भिन्न होती है। पहला है स्त्रोतोगत शल्योदाहरणार्थम, मतलब स्त्रोतस में होने वाला शल्य जो है उसको निकालने के लिए नाड़ी यंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे कि एंडोस्कोप रहता है, रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी ऑफ स्टमक। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी ना यहाँ कोई ना पॉइजन वगैरह पी लेते हैं तो हम ना स्टमक वॉश कराते हैं, मतलब वॉमिटिंग वगैरह कराते हैं। अगर वॉमिटिंग नहीं हो पा रहे तो हम एंडोस्कोप डालते हैं अंदर और ना एक सक्शन मशीन डाल देते हैं, लगा देते हैं और वो पूरा सक कर देता है। तो जो भी शल्य है उसको निकालने के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं। दूसरा है रोग दर्शनार्थम, मतलब जैसे अर्श रोग हो गया, पाइल्स है, तो हमें प्रोक्टोस्कोप चाहिए, ऑटोस्कोप चाहिए, रेक्टोस्कोप चाहिए, अलग अलग देखने के लिए। फिर अंदर भगंदर है, कर्ण कान में अगर कुछ देखना है हमें कि कान में क्या है तो हम स्कोप करते हैं, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, उसमें लाइट रहता है अंदर। नासागत रोग, योनि व्याधि, अगर हमें स्पेकुलम जो रहता है, आप लोगों ने सिम स्पेकुलम वगैरह पढ़ा होगा, कुस्को स्पेकुलम और सिम स्पेकुलम, तो योनि व्याधि के दर्शन के लिए कि वहां जख्म है क्या, बॉयल है क्या, कुछ मतलब जख्म मतलब या पाइल्स है क्या, उसके लिए नाड़ी यंत्र का उपयोग होता है। तो जो देखने के लिए स्कोपी होता है, मतलब देखना, तो उसके लिए रोग दर्शन के लिए भी नाड़ी यंत्र का यूज होता है। फिर आचूषणार्थम, मतलब चूषण के लिए, मतलब आचूषण के लिए, तो दुष्ट रक्त हुआ, खराब रक्त हुआ, पुए हुआ मतलब पस हुआ, विष हुआ, जैसे कोई पॉइजन पी लिया है तो उसको सक करके निकालना है। दुष्ट स्तन्य आचूषण, जैसे छोटा बच्चा है उसकी माँ का दूध है वो बहुत बेकार आ रहा है, टेस्टलेस है, मतलब मेरे पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं कि डॉक्टर हमारा बच्चा है ना वो दूध पीता है तो रोने लगता है या उल्टी करता है। तो मैंने उनको कहा कि आप अपना जो मिल्क है वो देख के बताइए कैसा है, तो उन्होंने कहा कि एक तो कड़वा है और बहुत तीखा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे ने वो पी लिया और वो रोने लगा, उसको पेट में बर्निंग होने लगा, तो हम लोग ना सक करके उसको निकाल सकते हैं, उसके लिए सक्शन कैनुला आता है, कैथेटर आते हैं, तो यह सब हो सकता है। या आप लोग जो बस्ती देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा सिंपल कैथेटर आता है बस्ती देने के लिए, ये निरु बस्ती या अनुवासन बस्ती, वो भी नाड़ी यंत्र होते हैं, वो रबर के आते हैं सारे। ये आप लोगों ने देखा होगा सक्शन इन्फेंट फीडिंग ट्यूब जो रहता है छोटे बच्चे को दूध पिलाने के लिए, अगर उनका सकलिंग रिफ्लेक्स अच्छा नहीं है तो क्या करते हैं कि दूध को लेते हैं और इंजेक्शन जो 5 ml का सिरिंज होता है उसमें दूध लेके और सक्शन ट्यूब डाल देते हैं पेट में थोड़ा सा, मतलब फूड पाइप में बच्चे को घुसा देते हैं और फिर ना सिरिंज से दूध भर के और उसके पेट में ऐसे डालते हैं, तो यह भी जो है वह नाड़ी यंत्र में आता है। फिर एक क्रिया सौकर्य, मतलब अगर क्षार कर्म करना है, अग्नि कर्म करना है, शस्त्र कर्म करना है, तो क्रिया सुगमता के लिए, कार्य सहजता के लिए होने के लिए नाड़ी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर प्रदमन नस्य, मतलब औषधि चूर्ण जो रहता है ना वो कोई पेन जैसा पाइप रहेगा और उसमें ना चूर्ण एक साइड में भर देंगे और नाक के पास ले जाएंगे और उसमें हम फूक मारेंगे, फूक मारेंगे ना तो वो नाक में जाएगा और उसमें छींक आएगा और वो छींक आने से कफ निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का नाक पूरा बंद है और हमको उनको प्रदमन नस्य देना है, मतलब कोई पाउडर का ऐसे धूल उड़ाना है नाक में अंदर, तो उसका नाक पूरा ब्लॉक है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे वचा हो गया, ज्योतिषमती हो गया, या ऐसे जो तीक्ष्ण दवाएं हैं, काली मिर्च हो गया, वह डालेंगे उधर और उसके नाक के पास ले जाके और दूसरे साइड से फूंक मारेंगे। जब वो जाएगा काली मिर्च या वचा या शुंठी ऐसे कुछ तीखा चीज जाएगा तो उसको छींक आएगा, छींक आएगा तो सारा बलगम है वो सारा निकल जाएगा, रास्ता खुल जाएगा। तो ये प्रदमन नस्य के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर है पूरणम, मतलब नाक में, कान में, योनि में कुछ ना औषधि द्रव्य को प्रविष्ट करने के लिए, जैसे हम लोग उत्तर बस्ती देते हैं, उत्तर बस्ती देते हैं तो हम क्या करते हैं वजाइना को पहले डायलेट करते हैं सिम स्पेकुलम वगैरह डाल के, और फिर जो उत्तर बस्ती का इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं आप लोग को कभी लाइव दिखाऊंगा, तो उत्तर बस्ती के इंस्ट्रूमेंट से हम लोग कुछ मेडिसिन डालते हैं, जैसे कोई तेल हो गया, शतावरी तेल हो गया, फिर फलग्रित हो गया, शार तेल हो गया जिसमें ट्यूबल ब्लॉक वगैरह रहता है, तो कोई भी चीज को अंदर घुसाने के लिए, या नाक में कोई मेडिसिन डालना है, कान में अगर बहुत सारा मैल जमा हो गया है तो उसको ना कुछ तो ऐसा क्लीन करने के लिए केमिकल मिलता है तो वो डाल के फिर ऐसे झाग झाग आता है और वो पूरा फिर डिजॉल्व होके निकाल सकते हैं। तो अंदर कान में अंदर डालने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, या बस्ती के प्रयोग के लिए, जो हम लोग बस्ती देते हैं नॉर्मल निरु बस्ती देते हैं, माधुदलिक बस्ती देते हैं,
या बिना बस्ती देते हैं, अलग अलग जो बस्ती यूज करते हैं उसके लिए ना हम लोग कैथेटर लगाते हैं और बस्ती यंत्र से जोड़ के और फिर पुश करते हैं, फिर स्त्रावण करने के लिए, मतलब जल को निकालने के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हाइड्रोसिल हो जाता है, या पेट में असाइटिस हो जाता है, मतलब जलोदर हो गया, पेट में पूरा पानी जमा हो गया, या लंग्स के नीचे प्लूरल इफ्यूजन हो गया, तो टैपिंग किया जाता है। टैपिंग का मतलब है कि कुछ ना कैनुला अंदर डाल देते हैं और ना फिर वहां से वो फ्लूइड जो जमा हुआ है अंदर वो सारा निकलने लगता है। जब वो फ्लूइड निकलेगा तो अपने पैथोलॉजी ठीक हो जाएगी। तो ऐसे लंग्स में करते हैं, लंग्स के नीचे अगर पानी जमा हो गया प्लूरल इफ्यूजन, पेट में अगर हो गया तो पेट के लिए भी ऐसे करते हैं, ड्रेन करते हैं, मूत्र अगर कहीं जमा हो गया है या रक्त हो गया है या पोए पस हो गया है, उन सब के लिए स्त्रावण के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर व्रण धावनार्थ, व्रण को धोने के लिए, जैसे सिरिंज वगैरह है, अलग अलग सिरिंज रहता है और उसका जो टिप रहता है वो बड़ा होता है, लंबा होता है, तो जख्म को धोना है हमें कषाय से, काढ़े वगैरह से, त्रिफला काढ़ा वगैरह से, तो उसके लिए भी व्रण को धोने के लिए भी नाड़ी यंत्र का यूज किया जाता है। नाड़ी यंत्र के प्रकार, तत्र भगंधराशो, व्रण बस्ती, उत्तर बस्ती, मूत्र वृत्ति, दकोदर, धूम निरुद्ध, प्रकस्थ निरुद्ध, बुध यंत्राणी, अलाभु श्रृंग यंत्राणी, च उपरिष्टा दक्षामः। मतलब ये इसके टाइप क्या क्या है तो ये टेबल में बताए हैं। तो नाड़ी यंत्र कौन कौन से होते हैं, तो भगंधर यंत्र हो गया, व्रण यंत्र हो गया, अर्शो यंत्र हो गया, बस्ती यंत्र हो गया, उत्तर बस्ती यंत्र, मूत्र वृद्धि यंत्र, दकोदर यंत्र, धूम नेत्र, धूम यंत्र, फिर निरुद्ध प्रकश, प्रकश यंत्र, निरुद्ध बुध यंत्र। निरुद्ध प्रकश क्या होता है आपको पता है, जो जैसे हम लोग हिंदू हैं, जो लोग मुस्लिम होते हैं ना, वो लोग का जो ये रहता है रिलीजियस रिचुअल्स जो रहते हैं, जो भी काम रहते हैं ना, उसमें खतना करते हैं, मतलब जो पेनिस का जो आगे का भाग होता है ना उसको ना वो कट कर दिया जाता है, उसमें कुछ और उसका कुछ साइंटिफिक रीजन है कि कोई बीमारी ना हो, तो ये मुस्लिम में होता है। और जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो लोग में क्या करते हैं कि कभी कभी वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, जो पेनिस का आगे का जो स्किन होता है ना उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से ना ये जो यूरेथ्रा होता है पेनिस वो पूरा ना एकदम ब्लॉक हो जाता है, तो इसलिए ना फिर वहां पे फाइमोसिस का ऑपरेशन किया जाता है। तो हमें क्या करना है, डायलेट करना है, जो निरुद्ध प्रकश हो गया मतलब जो भी इन्फेक्शन हो गया तो हमें डायलेट करके यूरिन पास करना है, नहीं तो बच्चा यूरिन नहीं कर पाता, अब उसके लिए निरुद्ध प्रकश यंत्र का यूज किया जाता है। फिर सन्निरुद्ध गुद्ध यंत्र, कभी कभी जो ये एनस होता है, रेक्टम होता है ना, वो एकदम बंद हो जाता है, तो उसको भी अंदर से खोला जाता है कि गुदा से मल निकल पाए, मतलब उसको डायलेट किया जाता है, तो वहां भी नाड़ी यंत्र का यूज किया जाता है, मल वगैरह देखने का है सब कुछ। फिर है अलाभु यंत्र, अलाभु आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, अलाभु यंत्र होता है। फिर एक होता है श्रृंग यंत्र, एक सिंग होता है, सिंग की तरह कहीं भी गंदा खून है और अगर वातज दृष्टि की वजह से है तो उसकी वजह से हम सिंग लगाते हैं और गंदा खून निकालते हैं। अलाभु यंत्र जो रहता है वो लौकी, छोटी लौकी की तरह होता है, या कपिंग थेरेपी जो बोलते हैं, इस्लाम में उसका बहुत महत्व है और वो बहुत अच्छा, इस्लाम असली में बहुत अच्छा रिलीजन है। तो इस्लाम में क्या है ना कि कपिंग थेरेपी करते हैं, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं मालूम नहीं मुझे, मतलब मुझे याद नहीं है फारसी में। उसमें क्या होता है कि गंदा खून निकालने के लिए ऐसे पहले कट किया जाता है और बहुत सारे कप्स लगा दिए जाते हैं और फिर गंदा खून निकल जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि गंदा खून निकल जाता है तो बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो उसी को हम अलाभु यंत्र, अलाभु से भी करते थे आयुर्वेद में। और असली में अकबर बादशाह जो थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने क्या किया कि आयुर्वेद को ही फारसी में कन्वर्ट कराया और बहुत सारे बुक्स लिखवाए, तो कपिंग थेरेपी वगैरह अकबर बादशाह के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था। उसके बाद में नाड़ी यंत्र है, वह कुल प्रकार उसके 12 है और इसकी संख्या टोटल 20 है। जैसे अगर दो भगंधर यंत्र हो गया, अर्श यंत्र दो हो गया, ऐसे टोटल करते जाएंगे तो 20 टाइप का है। फिर सुश्रुत ने नाड़ी यंत्र के 12 प्रकार के अलावा वाग्भटाचार्य जो है अष्टांग हृदय में, उन्होंने 6 और प्रकारों का वर्णन किया है। तो क्या क्या है, तो कंठ शल्य अवलोकनी नाड़ी यंत्र, मतलब कंठ में, थ्रोट में कोई शल्य चला गया है उसको अवलोकनी, जैसे एंडोट्रकियल ये होता है ट्यूब होता है, एंडोट्रकियल ट्यूब पहले के जमाने में भी था, तो वो एंडोट्रकियल ट्यूब आजकल प्लास्टिक वगैरह का बनता है या रबर का बनता है, पहले के जमाने में लोहे वगैरह का बनता था। कंठ शल्य अवलोकनी यंत्र, अभी तो एंडोट्रकियल ट्यूब का इसलिए बनाया जाता है, आप लोगों को पेडियाट्रिक्स में पढ़ा होगा कि मतलब ये ब्रीदिंग अच्छा हो,
अगर कहीं भी ब्लॉकेज वगैरह हो गया है। इसके लिए एंडोट्रेकल ट्यूब या कोई इंस्ट्रूमेंट अंदर डालने के लिए, एंडोस्कोप वगैरह डालने के लिए एंडोट्रेकल ट्यूब का यूज किया जाता है। फिर है शल्य निर्घातिनी यंत्र, शल्य को नष्ट करने वाला यंत्र। फिर अंगुली त्राणक यंत्र, शमी यंत्र, घ्राण अर्बुद अर्शो यंत्र। अगर गले में, थ्रोट में, फेरिंग्स में, लैरिंग्स के पास अगर कोई अर्बुद हो गया है, कोई कैंसर वगैरह है, तो उसको कट करके निकालने के लिए। फिर है योनि योनि वृक्षेणम यंत्र, जो अभी सिम स्पेकुलम है, तुस्को स्पेकुलम है, उस तरह का पहले भी यंत्र बनाया जाता था। तो यह छह टाइप अलग से भागभट्टाचार्य ने बताया। फिर इसके बाद में है भगंदर यंत्र। भगंदर यंत्र कैसा होता है? तो सर्वथा अपनीय दोष्टम छिद्रा धुए ऊर्ध्वम भगंदरी, मतलब अर्शु यंत्र के छिद्र के ऊपरी भाग निकाल देने पे, मतलब अगर हमने अर्श यंत्र का ऊपर का छिद्र का भाग निकाल दिया तो वो भगंदर यंत्र बन जाता है। उससे हम भगंदर जो रहते हैं, अलग अलग फिस्टुला वगैरह रहते हैं, वह सब हम लोग फिस्टुला वगैरह देख सकते हैं। और इसमें भगंदर यंत्र में क्या होता है, एक छिद्र होता है या द्वे छिद्र होते हैं। फिर इसके बाद में है 22 पेज नंबर पे बस्ती यंत्र। विशेष विवरण के लिए पंचकर्म विषय की पुस्तक में देखना है तो बस्ती यंत्र आप लोग देख लीजिए। अभी बड़े बड़े ना सिरिंज आते हैं 100 ml के, 200 ml के, और एक कभी कभी कोई पाउच बना के ऐसे भी बस्ती यंत्र यूज करते हैं। और है उत्तर बस्ती यंत्र, इसके लिए पंचकर्म विषय की पुस्तक में फोटो दिया है, आप बस्ती यंत्र उत्तर बस्ती यंत्र उसमें देख लीजिए। फिर है मूत्र वृद्धि यंत्र, अर्थात्र द्विमुखा नाड़ी तथा विस्त्रावेट पिशक, मतलब इसकी संख्या एक है, ये द्विमुखी नाड़ी यंत्र है। इसका उपयोग मूत्र वृद्धि में मूत्र को निकालने के लिए किया जाता है। मैंने बताया ना हाइड्रोसिल जैसी कंडीशन होती है या फिर दकोदर होता है, उसमें अंदर का स्त्राव निकालने के लिए, यह जो रहता है उसके जैसा ही, दकोदर श्रावण यंत्र जैसा ही रहता है, यह मूत्र वृद्धि को निकालने के लिए काम होता है। फिर एक होता है दकोदर यंत्र, इसमें बताया है कि द्विधारा नलिका पिच्छ नलिका वो कदो वो दकोदरी तत्र त्रपि वा दिनान्यमतस्य अन्यतमस्य नाडिम द्विधारम पक्ष नाडिम वा संयोज्य दोषोदक अवसिंचित। मतलब है कि दकोदर श्रावणार्थ के लिए, दकोदर एक उदर का एक टाइप होता है जिसमें ना बहुत ज्यादा पस वगैरह जमा हो जाता है, और उसमें बदगुदोदर मतलब कुछ कांटे वगैरह लगने की वजह से पस हो जाता है, तो उसको वहां जो पस है उसको निकालने के लिए दकोदर यंत्र का यूज किया जाता है। तो ये द्विमुखी होता है, मतलब दो ओपनिंग रहती है, और इसमें मोर के पंखों के समान खोखला हॉलो होना चाहिए। शुद्धता अनुसार के अनुसार बंगादी धातु या पक्षियों के पंखों से निर्मित द्विमुखी नाड़ी का प्रयोग करना चाहिए, मतलब पक्षियों का जो पंख होता है उसमें होल करके, और वो यूज करके हम लोग अंदर दकोदर का सारा स्त्राव निकाल सकते हैं। इसका स्वरूप होता है मूत्र वृद्धि के लिए लघु, और दकोदर के लिए मोटे नाड़ी यंत्र का प्रयोग करें। प्रमाण है कि इसकी लंबाई 4 अंगुल लंबी होती है। उपयोग है कि जलोदर में जल निहरनार्थ, इसको पैरासेंटाइसिस ऐसा बोलते हैं। मॉडर्न कोरिलेशन अगर देखेंगे तो मूर्त वृद्धि यंत्र और दकोदर यंत्र आधुनिक ट्रॉकर या कैंडोला के समान प्रतीत होते हैं। फिर है धूम यंत्र, धूम नेत्र। विशेष विवरण के लिए पंचकर्म विषय की पुस्तक का देखना चाहिए। वो एक पाइप की तरह होता है धूम यंत्र, तो अलग अलग शेप में होता है, तो वो मैंने कहा ना कि प्रदमन नस्य देना है, उसके लिए ये धूम यंत्र होते हैं, या प्रदमन के लिए कर सकते हैं, या धुआं जो करते हैं मतलब सिगरेट सिगार की तरह जो होता है, तो उस तरह का भी बनाया जाता है, धूम यंत्र बोलते हैं। फिर है निरुद्ध प्रकाश यंत्र। निरुद्ध प्रकाशे नाडिम लोहिम उभयतो मुखिम दार्विम वा जतुकृताम घृताभ्याक्तम प्रवेशित। निरुद्ध प्रकाश नाड़ी यंत्र के दोनों तरफ छिद्र होते हैं तथा वह लोह लकड़ी या लाख से बनाया जाता है, उस पर घृत लगाकर श्लेष्ण मार्ग में, मैंने बताया ना कि जैसे इस्लाम में ये किया जाता है, खतना किया जाता है, तो वो क्या है, इन्फेक्शन होने ना हो, और अंदर श्लेष्ण मार्ग जो पेनिस होता है वहां पे कोई इन्फेक्शन ना हो, इसलिए वो बनाया जाता है। क्योंकि बच्चे जो रहते हैं वो क्लीन नहीं करते हैं, तो वो होने का फाइमोसिस वगैरह होने का चांसेस रहता है, इसलिए ना सर्कमसीजन करते हैं। तो उसमें ना अंदर शिष्ट मार्ग में अगर मूत्र रुक गया है तो उसको ओपन करने के लिए, डायलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। डायलेट करके यूरिन जो अटका हुआ है यूरिनरी ब्लैडर से उसको क्लीन करने के लिए, मतलब यूरिन पास करने के लिए किया जाता है। शुश्रुताचार्य ने निरुद्ध प्रकाश व्याधि की चिकित्सा के लिए इसका उपयोग बताया। अब मॉडर्न कोरिलेशन देखेंगे तो निरुद्ध प्रकाश नाड़ी यंत्र आधुनिक प्रेप्यूसल डायलेटर के समान प्रतीत होता है। फिर उसके बाद में है सनिरुद्ध गुद यंत्र। इसकी यंत्र की संख्या एक होती है,
इस द्विमुखी नाड़ी यंत्र का परिग्रह अग्रभाग में कम या मूल में अधिक होता है, मतलब जो उसका पेस होगा उधर ज्यादा मोटा होगा और आगे की तरफ छोटा होगा। और गुद यंत्र मतलब अंदर का गुदा का कोई भी है उसको डायलेट करके निकालना है, हमें डायलेट करके मल को निकालना है। सनिरुद्ध गुदे योजना निरुद्ध प्रकाश क्रिया, इसका उपयोग सनिरुद्ध गुद व्याधि में निरुद्ध प्रकाश व्याधि के समान चिकित्सा के समान किया जाता है। मतलब अगर होल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, स्टेनोसिस हो गया, पूरी तरह से रास्ता बंद हो गया है, तो डायलेटर्स होते हैं बहुत सारे जो ना उसको ओपन करते हैं। ऐसे ही क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कभी हैवी मेंसेस आ रहे हैं तो डीएनसी किया जाता है, डायलेटेशन एंड क्यूरेटिंग। तो डायलेटर्स क्या रहता है कि वह पहले एकदम छोटा सा ऐसे पाइप की तरह डायलेटर होता है, स्टील का बना होता है, पहले वो डायलेटर डालते हैं, फिर दूसरा डालते हैं, ऐसे करते करते जो इंटरनल लॉस एक्सटर्नल लॉस है उसको डायलेट करते करते इतना बड़ा करते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट जा सके। फिर सक्शन मशीन का जो आगे का भाग होता है वो डालते हैं और क्यूरेट करते हैं पूरा एंडोमेट्रियम, और क्यूरेट करके और पूरा सक्शन से उसको निकाल देते हैं, तो उसको डीएनसी बोला जाता है। ये एग्जाम में आता है डीएनसी, आप लोगों ने गायनेक में पढ़ा होगा। तो जो डायलेट किया जाता है उसको ये बोलते हैं सन्निरुद्ध गुद यंत्र। फिर है अलापू यंत्र। अलापू यंत्र जो है वो नीचे उसका डायग्राम बनाया है, उसमें है कि अलापू देखिए छोटी लौकी जब सूख जाती है उसमें ऐसे खींचने के लिए या कपिंग भी ऐसे किया जाता था। तो अलापू की संख्या एक होती है, इसकी लंबाई 12 अंगुल तथा परिणाम 18 अंगुल होता है, इसका मुखभाग सर्पिल होता है, सांप की तरह होता है, इसकी परिधि 3 या 4 अंगुल होती है। अलापू में दिख प्रज्वलित करके कफ दूषित रक्त का निर्धारण किया जाता है। मतलब अभी कपिंग थेरेपी में क्या होता है कि प्रेशर से वो ब्लड निकलता है, लेकिन इसमें क्या करते थे कि अंदर ना दिया जला देते थे या कपूर जला देते थे, तो इससे क्या होता था और वो वहां लगा देते थे तो अपने आप ना ऑक्सीजन की कमी होगी तो दिया बुझ जाएगा और वो जो भी ब्लड है वो अंदर से सक हो जाता था, इस तरह से किया जाता था। अलापू कटु रसात्मक होती है, रुक्ष होती है, तीक्ष्ण गुण युक्त होती है, अतः यह कफ रक्त दृष्टि में रक्त श्रावणार्थ इसका उपयोग होता है। मतलब जो जलौका होती है पित्तज रक्त, अब ये प्रैक्टिकल दिखाने से आप लोगों को समझ आएगा। मेरे पास अलापू यंत्र है, मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि ये कैसे निकाला जाता है। जलौका जो है वो किसमें किया जाता है, तो पित्तज अगर रक्त दृष्टि है तो, कफज है तो क्या किया जाता है तो ये अलापू का यूज किया जाता है, अगर वातज है तो श्रृंग ऐसा किया जाता है। इसके बाद में श्रृंग यंत्र, सिंह कोई प्राणी का सिंह होता है, तो श्रृंग की संख्या एक होती है, इसकी लंबाई 18 अंगुल होती है, इसका अग्रशीर्ष सरसों के बीज के समान होता है, मतलब आगे का जो टिप होता है ना सरसों का बीज इतना होल होता है, चुचुकाकृति मतलब स्त्री के जो निप्पल्स होते हैं वैसा समान होता है, चिकना होता है निप्पल्स की तरह। उपयोग जो रहता है दूषित रक्त का आचूषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई ब्लड है अंदर ना वेन्स में आर्टरीज में अटका हुआ है तो ये लगा देंगे तो एक ओपनिंग पीछे रहेगा एक आगे रहेगा, और जो आगे वाला रहेगा वहां सरसों के जैसा होल रहेगा छोटा, तो सिंग लगा के और फिर पीछे साइड से खींचेंगे चूसेंगे तो अपने आप गंदा खून है वो निकल जाता है, ऐसा एब्सेस वगैरह रहता है, पस सेल्स वगैरह जमा होते हैं, तो श्रृंग यंत्र का यूज किया जाता है। फिर श्रृंग कैसा होता है, मधुर रसात्मक होता है, स्निग्ध होता है, उष्ण विरक्त होता है, इसलिए इसका यूज वात दुष्ट रक्त के लिए किया है। मतलब उसका जो टेस्ट वगैरह जो होता है ना उसका इफेक्ट वहां के स्किन पे आर्टरीज वेन्स पे होता है, इसलिए जहाँ कफ का निकलना है वहां पे अलाबू, जहाँ पे वायु वाला चीज है कोई दूषित रक्त है क्लॉट वगैरह हो गया उसको निकालने के लिए श्रृंग का यूज करना है, ताकि हम वहां लगाए तो उससे कोई उसको एलर्जी ना हो जाए आर्टरीज और वेन्स को और वहां कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। आचार्य वाग्भट के अनुसार नाड़ी यंत्र क्या क्या है, तो कंठ शल्यावलोकनीय नाड़ी यंत्र, इसकी लंबाई 10 अंगुल परिधि 5 अंगुल होती है, यह कंठगत शल्य को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। मॉडर्न कोरिलेशन क्या है, कंठ शल्यावलोकनीय नाड़ी यंत्र आधुनिक लैरिंजोस्कोप की तरह होती है, आप लोग ना गूगल पे टाइप करिए और लैरिंजोस्कोप देखिए सेम वैसे ही है। शल्य निर्गातनीय नाड़ी, इसकी लंबाई 12 अंगुल होती है, अंदर से 3 अंगुल खोखली होती है, इसका मुख पद्म कर्णिका के समान होता है और इसके खोखले भाग द्वारा शल्य को फंसा कर बाहर निकाला जाता है। फिर अंगुली त्राणक यंत्र, इसको उंगली में पहन लेते हैं और फिर इसका यूज किया जाता है, इसकी लंबाई 12 अंगुल होती है, इसके दोनों ओर छिद्र रहता है और अंगुली परिणाम को जाने के योग्य होता है, मतलब उंगली अंदर घुस जाए ऐसा होता है। इसकी आकृति गोस्तन के मतलब जो इसका स्तन होता है गाय का उसके जैसा होता है और यह दांत का सिंह का या वृक्ष आदि का बना होता है। इसका उपयोग मुंह गुहा में शस्त्रकरण के समय रोगी को मुंह खोलने के लिए उसके लिए कर सकते हैं, मतलब रोगी का मुंह खोलने के लिए ओपन करने के लिए, या रोगी के दंत से शल्य
सकी अंगुलियों की रक्षा के लिए किया जाता है? ये देखिए अंगुली त्राणक यंत्र का पेज नंबर 23 में बताया है, इसमें फिंगर जो है वो अटक जाता है, तो इससे क्या होगा कि मुंह खोलने के लिए भी काम आ सकता है और डेंटिस्ट लोग के फिंगर्स को प्रोटेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। फिर शमी यंत्र, यह अर्श यंत्र के समान होता है तथापि उसमें व्याधि दर्शन छिद्र का अभाव होता है, और इसमें कोई छिद्र नहीं रहेगा, आगे की तरफ पीछे की तरफ रहेगा। तो अर्श प्रपीड़नाद, अर्शांकु को दबाने के लिए शमी यंत्र का उपयोग किया जाता है। जब अर्शांकु को दबा देते हैं ना, प्रेस करते हैं, तो जो उसमें डायलेट होने के कारण जो ब्लड वगैरह रहता है वो सब निकल जाते हैं, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। फिर घ्राणा अर्बुदार्शो यंत्र, नासार्श मतलब नाक में जो पाइल्स हो गया है, जिस तरह से नीचे बवासीर होता है उसी तरह नासा में अर्श हो गया है, नासा में अर्बुद हो गया है, उसको दबाने के लिए दो अंगुल लंबे और तर्जनी मतलब इंडेक्स फिंगर की इतना परिणाम वाला एक मुखी नाड़ी यंत्र होता है, ऐसा आचार्य वाग्भट ने किया है। यही अर्बुद ग्रहण अर्बुदार्शो यंत्र कहलाता है या भगंदर यंत्र सदृश होता है। फिर इसके बाद में है मॉडर्न कोरिलेशन, तो ग्रहण अर्बुदार्शो के अर्बुदार्शो यंत्र आधुनिक ऑटोस्कोप या रिनोस्कोप के समान प्रतीत होता है। अब ये देखिए ग्रहण अर्बुदार्शो यंत्र मतलब इसमें साइड में ऐसे कटा हुआ है और दो साइड में ऐसे प्लेन है, तो हम लोग कुछ भी डाल के अच्छे से देख सकते हैं। फिर है योनि वृक्षेण यंत्र, योनि के अंदर व्रण को देखने के लिए ऐषण यंत्र, इसकी लंबाई 16 अंगुल लंबी होती है, 16 अंगुल लंबा होता है, इससे खोखला होता है, ये चार भित्तियों का बना होता है। और ऐसे योनि वृक्षण यंत्र या सिम स्पेकुलम वगैरह जो होता है वजाना स्पेकुलम, वो ऐसे ही होता है, ये चार भित्तियों का बना होता है, बाहर की मुद्रा रिंग से बंधा हुआ। आप लोग ने सिम स्पेकुलम देखिए उसमें कैसा दिया है, मुकुलित कमल के समान मुख वाला तथा भित्तियों के मूल भाग में चार शिलाकों से घिरा होता है, इसके शिलाकों पर दबाव पड़ने से मुख भाग खुल जाता है, योनि का वो खोल कर उसके भीतरी अवयव स्पष्ट देखे जा सकते हैं। स्पेकुलम में आप लोगों ने देखा होगा कुस्को स्पेकुलम, देखिए उसमें एकदम अच्छे से समझेगा उपयोग है कुस्को को, आप इसमें गूगल पे टाइप करिए। फिर मॉडर्न कोरिलेशन, योनि के भीतर उत्पन्न व्रण आदि को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, योनि वृक्षेण यंत्र आधुनिक वजाइनल स्पेकुलम के समान प्रतीत होते हैं। फिर शलाका यंत्र, रॉड लेग इंस्ट्रूमेंट, शलाका यंत्र अनेक प्रकार के होते हैं, इनका उपयोग जो होता है अनेक प्रकार से किया जाता है, कार्य के अनुसार इनकी लंबाई और परिणाम अलग अलग होती है। तो अभी क्या क्या टाइप होते हैं, तो गंडूपद मुखी, गंडूपद नाम का जो वर्म होता है उस तरह का होता है, तो दो होता है। सर्प फण, सांप का जो फण होता है उस तरह से दो होता है। शर्पुंख मुखी, बड़ीश मुखी, मसूर दाल मात्र मुखी, कर्पास कृतोशेष मुखी, दव्याकृति, जामवदना, अंकुश वदना, कुलस्थल मात्र मुखी, अंजनार्थ, मुख विशोधनार्थ, इस तरह से अलग अलग होते हैं। फिर है गंडूपद शलाका मुखी, इसे अर्थवर्म होता है, नीचे देखिए फिगर नंबर 12 में बताएं, इसकी संख्या दो होती है, इसके मुख का आकार गंडूपद मतलब अर्थवर्म केचुआ जैसा होता है, और इसका आवश्यकता के अनुसार प्रमाण लेना चाहिए, प्रायः 6 से 8 अंगुल लंबा होना चाहिए। एशन कर्म के लिए मतलब कोई भी चीज हमें देखना है कि अंदर जो नाड़ी व्रण है साइनस है वो कितना डीप है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है, तो इसकी गति लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर कोरिलेशन है कि ब्लंट प्रोब के रूप इसका कोरिलेशन है। सर्प फण शलाका ये दो होता है, सांप के फन के समान होता है, 12 से 16 अंगुल लंबा होता है। फिर उसके बाद में ये बताया है कि 6, 7, 8, 9, 10, 12 अंगुल लंबा होता है, कुल 6 कार्पस कृतोष्णी शलाकाएं होती हैं, और शार क्लेद स्त्राव पोषने के लिए या प्रमार्जनार्थ मतलब अंदर से क्लीन करने के लिए कान नाक गुद इनको क्लीन करने के लिए उपयोग किया जाता है। गुद के स्थान में 10 या 12 अंगुल लंबी शलाका, कान में 8 से 9 अंगुल लंबी शलाका, नाक के लिए 8 से 9 अंगुल लंबी शलाका का उपयोग किया जाता है। मॉडर्न कोरिलेशन करेंगे तो कार्पास कृतोशेष शलाका आधुनिक कॉटन बड जो रहता है कान में कचरा निकालने के लिए जो होता है उस तरह का ऐसा होता है। फिर द्रव्याकृति मतलब चम्मच की तरह जो रहता है द्रव्याकृति बोलते हैं। खल मुखानी निम्न मुखानी इनका आकार दरवी या चम्मच के समान होता है, इसका मुख छोटे या बड़े खलों के समान गहरा होता है, इनकी संख्या 3 होती है, ये कनिष्का मध्यमा और अनामिका के नख के आकार के समान होती है, जैसे हमारे जो लिटिल फिंगर है रिंग फिंगर है और मिडल फिंगर है
उसके तरह, इसके नाखून की तरह ये गोल होता है और 8 अंगुल लंबाई अच्छी मानी जाती है। व्रण आदि में क्षार कर्म या अन्य औषधियों को अवचूर्णन करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। मतलब हमें क्षार लेके जाना है और वहां पर डालना है कोई व्रण में, वैसे चम्मच जैसा करेंगे और वहां डालेंगे पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, तो ये ज्यादा फायदा होता है। फिर जाम्बवदना शलाका, जाम्बवदना नीति, जम्बू फल मुखाकृतिनी, मतलब ये ऐसा है इस तरह से। जाम्बवदना शलाका फिगर 19 देखिए, इनकी संख्या 9-3 होती है। इस शलाका का मुख जम्बू फल के समान होता है। आकार के अनुसार निम्न प्रकार होते हैं, स्थूल अणु तथा दीर्घ। उपयोग है अग्निकर्म के लिए यूज किया जाता है। अग्निकर्म आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा ये मेटल को पूरा ये कर देते हैं, रेडिश कर देते हैं, पूरा जला देते हैं, और उसके बाद में जहां जैसे कॉर्न हो गया या कहीं पे हमें चटका देना है, जलाना है, तो हम इसको लाल करके वहां ऐसे जला देते हैं, तो जो कॉर्न होता है पैर में उसको भी जलाने के लिए काम आता है अग्निकर्म के लिए। फिर है अंकुश वदना शलाका, इनकी संख्या 3 होती है, अंकुश के समान होता है। अग्निकर्म के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अंकुश वदना शलाका कॉटरी रॉड के जैसा होता है। फिर कुलास्ति दलमात्र मुखी, अब नीचे देखिए, कुलास्ति मतलब बेर का जो अंदर का जो बीज होता है उसके जैसा ये होता है, तो इसकी संख्या 1 होती है। यह शलाका बेर के बीज के आधे भाग के समान गोलाकार होता है, बाहर से खुदरा होता है, खिलों के किनारे भाग के समान तीक्ष्ण धारित होती है। नासार्बुद या नासार्श के दहन कर्म में प्रयोग किया जाता है। फिर कोलास्ती दलमाद्रमुखी आधुनिक शलाका नेसल कॉटरी रॉड के समान होता है। अंदर नाक में हमें कॉटरी रॉड है ना, इस तरह का रहता है तो जला देता है वो अंदर से, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह है तो। फिर अंजन, अंजन के लिए मतलब आप लोगों ने सुरमा लगाया होगा कभी, सुरमा को ऐसे ही लगाते हैं। आजकल तो ग्लास का मिलता है, ग्लास का रॉड टाइप, पहले के जमाने में सोने और चांदी का होता था। दोनों अग्रभाग में पुष्प कली के समान सक्रिय होता है, इसका परिणाम मटर के समान होता है। यह शलाका मध्य भाग में किंचित लघु होती है, उस स्थान पर दोरी द्वारा बांधी जानी चाहिए। लेखन रोपण एवं प्रसादन इसके लिए प्रयोग किया जाती है। शलाका क्रमशः ताम्र लौह स्वर्ण से निर्मित होती है, लंबाई 8 अंगुल होती है। अंजन लगाने के लिए या सुरमा लगाने के लिए जैसे यूज होता है, इसको कॉलेरियम प्रोब के समान प्रतीत होती है। फिर मुख मार्ग विशोधनार्थ शलाका, अगर यूरिन अगर अटक गया है तो यूरेथ्रल साउंड के जैसा होता है। यह शलाका अग्रभाग में मालती पुष्पवृंद के समान तथा गोलाकार होती है, अग्रभाग पतला होता है और उसका परिणाम मूल की ओर अधिक होता है। संकुचित मूत्र मार्ग मतलब अगर स्टेनोसिस ऑफ यूरेथ्रा हो गया है, अंदर स्टेनोसिस मतलब बंद हो गया, संकुचित हो गया है, या मूत्र शर्करा मतलब किडनी स्टोन वगैरह है, तो हम वहां पे ये डाल के और वहां से मतलब इसको डायलेट कर सकते हैं। मूत्र मार्ग विशोधनार्थ शलाका यूरेथ्रल साउंड के समान होती है, क्योंकि मूत्र मार्ग अगर रुक गया है तो ऐसे शलाका डाल देते हैं तो अपने आप ओपन हो जाता है और यूरिन पास होने लगता है। आचार्य भागवत के अनुसार अन्य शलाका यंत्र क्या है, तो गर्भ शंकु यंत्र, यह शंकु के समान और आगे से मुड़ा हुआ 8 अंगुल प्रमाण का होता है। यह स्त्रियों के मूढ़ गर्भ को निकालने के लिए, मतलब अगर बच्चा मर गया है मूढ़ गर्भ, तो उसको निकालने के लिए गर्भ शंकु यंत्र होता है। कर्ण शोधन यंत्र, यह स्त्रुवे के समान होता है, अग्रभाग अश्वत्थ के समान मतलब पीपल के पत्ते के जैसा होता है, यह कान के शोधन के लिए होता है। अर्धेन्द्रमुखी शलाका, यह शलाका का दंड वृत्ताकार गोल एवं मूल अर्धचंद्राकार होता है, इसका प्रयोग आंत्रवृद्धि की चिकित्सा में अग्निकर्म के लिए किया जाता है। उपयंत्र जो है वो अलग अलग है, एक्सेसरी इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो यंत्रों का छठा भेद है, जहां तक संभव हो शल्य चिकित्सक को यंत्र से ही अपने शल्य कर्म कर को सुसज्जित करना चाहिए, तो सारे इंस्ट्रूमेंट रहना चाहिए। कभी कभी किसी यंत्र का अभाव हो जाता है अथवा चिकित्सक अस्पताल पर क्रिया संपन्न करनी पड़ती है, जहां सभी यंत्र उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, वहां पर उपयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एक्सीडेंट हो गया, युद्ध हो गया, वहां पर उपयंत्र का यूज होता है। तो उपयंत्र कितने होते हैं, तो सुश्रुत ने 24 बताए, भागवत ने 19 बताए। उपयंत्रण में क्या होता है, रज्जू रस्सी जो होती है वह रज्जू डोरी रस्सी सूत्र मुंज कपास या सन से बना होता है, मतलब सीवन कर्म के लिए, सुचरिंग के लिए। शार सूत्र बनाने तो मोटाई बढ़ा सकते हैं, इसका प्रयोग भगंदर आदि में किया जाता है। सर्प विष के वेग को रोकने लिए मोटाई अधिक होनी चाहिए और सिरा पर बिलबंधित दबाव डाल जा सकते हैं, इस तरह से रज्जू होता है, रस्सी होती है। यंत्र में रोगी को बांधने के लिए अथवा अस्थियों का अवगत शल्य को निकालने के लिए शल्य को मोटी रस्सी से बांधकर खींचा जाता है। इस प्रकार चिकित्सक को युक्ति के द्वारा आवश्यकता अनुसार मोटाई निश्चित कर लेनी चाहिए। फिर वेणी, यह विशेष प्रकार की बनी रस्सी होती है, रज्जू होती है, इसमें 3 रस्सियों की वेणी की तरह गूंथकर रस्सी बनाई जाती है। जैसे बालों का वेणी बनाते हैं उसी तरह से रस्सियों का बनाते हैं। गूंथने के बाद यह फैली हुई आकार की बनती है, रज्जू से अधिक दृढ़ होती है, मोटी होती है, मजबूत होती है, और इसका उपयोग उन अंगों को बांधने के लिए किया जाता है जहां सिरा धमनी नीचे की स्थित हो एवं फैले हुए आकार के कारण
दृढ़ बंधन बांधने के लिए इसका आघात नहीं होता है। मूल रस्सी को ऐसे स्थानों पर बांधने पर बंधन के समय पीड़ा होने लगती है तथा उस स्थान की सिराओं का भी आघात हो सकता है, इसलिए प्रिकॉशन लेके करना चाहिए। फिर उसके बाद में है पट्ट। पट्ट मतलब जो गॉज पीस होता है। तो व्रण पर विकेशकर कवलिका रखने के बाद उन्हें यथास्थान बनाने के लिए वस्त्र होता है, ये मृदु होना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने चीन पट्ट, कार्पास, शौम, अविलक, दुकुलक, कौशी आदि द्रव्य से निर्मित पट्ट का प्रयोग किया है। चर्म मतलब चमड़े, अलग अलग तरह से जलोदर से जल निकालने के लिए उदर पर बांधा जाता है। गुद्ध भ्रंश हो गया, मतलब अगर रेक्टल प्रोलैप्स हो गया तो चर्म का बना हुआ गोफणा बंद, मैं आप लोगों को बंद बताऊंगा तब आप लोगों को समझ आएगा। फिर व्रण प्रक्षालन के लिए हिरण या बकरे के चर्म से बने हुए बस्तीपुटक में नेत्र लगाकर व्रण को प्रक्षालन के लिए यूज किया जाता है। फिर ऐसे ही अंतर्वल्कल, पलाश या गुलर, उदम्बर आदि वृक्ष की जो छाल होती है उसका यूज। फिर लता मतलब जो ये डाली होती है। फिर वस्त्र, व्रण को ढकने के लिए जो ड्रेसिंग किया जाता है वस्त्र। अष्टलाश्म मतलब यह गोल पत्थर होता है जो अस्थि में फंसे हुए शल्य को निकालने के लिए करते हैं। फिर मुदगर मतलब हथौड़ी वगैरह, आप लोगों ने डिसेक्शन में देखा होगा कि हथौड़ी वगैरह का यूज किया जाता है, लोहे के या लकड़ी से बनाते हैं अस्थि में फंसे हुए शल्य को निकालने के लिए। पहले भाला और ये सब लग जाते थे तलवार, तो उसके पार्ट को निकालने के लिए हथौड़ी का यूज किया जाता था। फिर पाणी पाद तल, इसका मतलब है कि हाथ को यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो इस तरह का फ्रैक्चर वगैरह को बांधने के लिए, डिसलोकेशन को ठीक करने के लिए, दबाने के लिए हाथ का यूज किया जाता है। उसके साथ में है अंगुली, जीवा, दंत, नख, मुख, बाल, अश्वकंटक, शाखा, ये अलग अलग जो है इसका यूज किया जाता था। छह, अभी ना इतना करके हम ब्रेक लेते हैं, कल हम शस्त्र पढ़ेंगे, ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी थैंक यू सर। यस सर। पर